साहिबान सो मेरे बहुत ही सत्कार लोग अलग अलग पार्टियां तो लीडर साहिबान भी आए हैं। मैं ये समझदा कि फिरोजपुर नूं बहुत अणगौलिया किया गया पिछलियां सरकारां दे विच और फिरोजपुर की जिहड़ी अज हालत आ कि फिरोजपुर एक पछड़िया होया हलका एक पछड़िया होया जिला बजदा है उसका कारण यह सी कि पिछलियां सरकारां ने और इत्थों दे लीडरां ने इत्थों लई काम नहीं कीता। सो अज बड़ी खुशी हुई कि अज फिरोजपुर का नाम इस योजना के विच आया। मैं समझदा कि फिरोजपुर रेल मंडल फिरोजपुर का एक निखड़वा अंग आ रेलवे। फिरोजपुर नूं रेलवे नाल भी जाणिया जांदा है क्योंकि सब तो वड्डी डिवीजन किसी जमाने के विच फिरोजपुर सी। टुटदी टुटदी ये छोटी रह गई। देश की आजादी ने दे विच उस वंड ने बहुत वड्डा नुकसान फिरोजपुर का किया। नहीं तो अज फिरोजपुर मैं समझदा कि गड़गांव तो घट जां होर वधिया शहरों तो घट नहीं सी होना। लेकिन पिछलियां सरकारां ने जो जन्म दिता गुंडागर्दी उसे करके भी बड़े। सो मैं दोबारा तो इस सारे लिए सब तो वध सत्कार अज का जिहड़ा इह साडा इस योजना च पिया मैं रेलवे के अधिकारियों को दूंगा कि उन्होंने श्रेय है कि उन्होंने फिरोजपुर रेलवे लिए काम किया और फिरोजपुर का जिहड़ा नाम सूची बताया। सो मैं समझदा कि इस जिले को अगे ले जाने लिए इस हल्के साफ सुथरा करने लिए जिथे रेलवे अधिकारी साडे वोटर भी ने साडे सपोर्टर भी ने फिरोजपुर शहरियों का भी योगदान बहुत जरूरी है। सो अज पंजाब दे विच तुहाडी सरकार आ वो सरकार जिहड़ी भ्रिष्टाचार के खिलाफ आ वो सरकार जिहड़ी तुसीं भ्रिष्टाचारियों नूं बाहर कढ़न लई पंजाब विच लिआंदी आ। अज सरदार भगवंत सिंह मान उन्हां दी समुची टीम रात दिन एक करके काम कर रही है और पंजाब नूं भ्रिष्टाचार मुक्त करके रहांगे और अज दे इस जिहड़ा आ पूरा समागम तुसीं सारिआं ने मैनूं इत्थे बुलाया मान सत्कार दित्ता कीता तुहाडा सारिआं दा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य विभिन्न राज्यों के गवर्नर मुख्यमंत्रीगण राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री श्री सांसदगण विधायकगण अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में नई ऊर्जा है नई प्रेरणा है नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाए उनका पुनर्विकास हो आधुनिकता के साथ हो इसमें से आज आप कल्पना कर सकते हैं ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बनेंगे।
एमपी में 1000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि